गाइस, स्वागत है आप सभी का हमारा आपके चैनल भाईजान गेमर में। सो गाइस, तो आज के इस वीडियो के अंदर मैं आप सभी को बताने वाला हूँ कि गाइस आप लोग डिजर्ट ईगल से वन टैप हेडशॉट कैसे मार सकते हो। और गाइस, जब भी आप लोग वन टैप हेडशॉट मारने जाते हो तो गाइस आपका एक भी वन टैप क्यों नहीं लगता है। आप लोग इतना ज़्यादा मेहनत करते हो, घंटों घंटों ट्रेनिंग रूम में बिता देते हो, आप लोग इतना ज़्यादा प्रैक्टिस करते हो, बट गाइस आपका एक भी वन टैप नहीं लगता है। आपका बार बार बड़ी शॉट क्यों लगता है? तो गाइस इसका क्या रीज़न है जिसकी वजह से आपका एक भी वन टैप हेडशॉट नहीं लगता है? तो गाइस अगर आपको वन टैप हेडशॉट मारना है ना, तो गाइस देखो, सबसे पहले मैं एक चीज़ बता देता हूँ कि गाइस यहाँ पर मैं कोई सा भी सीक्रेट ट्रिक नहीं बताऊंगा। अगर गाइस आपको लगता है कि यहाँ पर मैं कोई एक ऐसा सीक्रेट ट्रिक बता दूंगा जिसको अगर आप जान जाओगे तो आपका वन टैप ऑटोमेटिक लगने लगेगा, तो ऐसा कुछ नहीं गाइस। वन टैप तो आपको खुद से मारना होगा, लेकिन गाइस यहाँ पर मैं कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊंगा जिसको अगर आप लोग फॉलो करोगे ना तो आपका यहाँ पर 110% वन टैप लगने लगेगा। और गाइस जैसे कि देख रहे हो, मैं यहाँ पर जिसको मेरा मन कर रहा है ना उसको मैं यहाँ पर वन टैप मार रहा हूँ, ठीक है। तो गाइस देखो, सबसे पहले आप लोग क्या गलती करते हो जिसकी वजह से आपको वन टैप नहीं लगता है? तो देखो गाइस, सबसे पहले तो मैं एक चीज़ बता देता हूँ कि अगर आपको वन टैप हेडशॉट मारना है तो गाइस जो आपका सेंसिटिविटी होता है ना वो मायने रखता है, ठीक है। जैसे कि गाइस बहुत सारे भाई लोग को मैं देखता हूँ कि वो अपने मोबाइल के ऊपर डिपेंड रखते हैं, ठीक है। जैसे कि अगर उनका मोबाइल 2GB का है तो जैसे कि जनरल हो गया तो उसको बहुत कम रखते, 50-60 ऐसे रखते। बहुत सारे भाई लोग को मैं देखता हूँ कि जनरल अपना कुछ 20 रखता है, तो कोई 100 रखता है, कोई 50 रखता है, कोई 70 रखता है। तो देखो गाइस, सबसे पहले आपका जो जनरल है ना वो 100 होना चाहिए। मोबाइल पे डिपेंड नहीं करता है, आपका जनरल 100 होना ही चाहिए। और गाइस जो आपका रेड डॉट होता है ना उसको आप लोग को 100 करना है। देखो गाइस, अगर आप उसको 50 या 60 पे रखे हो तो गाइस ये सबसे बड़ी गलती है। क्योंकि गाइस देखो, जितना ज़्यादा आप लोग रखोगे ना, जैसे अगर आप 100 रखते हो तो आपका रेड डॉट ज़्यादा बड़ा होता है, बड़ा होगा तो आपका ज़्यादा वन टैप लगेगा। तो गाइस सबसे पहले दो चीज़ आपको करना है, जो आपका जनरल है वो 100 रहना चाहिए और आपका रेड डॉट 100 रहना चाहिए। और गाइस आपका जो फायर बटन है ना उसको थोड़ा नीचे रखना है और उसको मीडियम साइज में रखना है, ज़्यादा बड़ा नहीं रखना है ना ज़्यादा छोटा रखना है, जितना पे आपका बन सके उतना रखना है। अभी गाइस यहाँ पर एक क्लिप देखो, यहाँ पर एक बंदा आ रहा है, स्ट्रेट आ रहा है, ठीक है। वो मतलब लेफ्ट राइट करके नहीं आ रहा है, वो सीधा आ रहा है। तो देखो मेरा एम कहाँ है, नीचे था, और जैसे रेड हुआ ना मैंने उसको वन टाइम मारा। मतलब शुरू में कहा था पैर के पास था और वहाँ पर रेड नहीं हो रहा था, बट गाइस जैसे रेड हुआ ना तब मैंने उसको वन टाइम मारा। अब देखो यहाँ पर फिर से, यहाँ पर देखो जैसे ये रेड हुआ मैंने इसको वन टाइम मार दिया। अभी गाइस देखो इस क्लिप को फिर से आप दोबारा देखो, ठीक है। देखो गाइस सबसे पहले यहाँ पर मेरा एम कहाँ है, पैरों के नीचे, और वो बंदा सीधा आ रहा है, सीधा आ रहा है, इसीलिए मैंने ड्रैग किस तरह किया, मैंने यहाँ पर सीधा ड्रैग किया, ठीक है। और सीधा देखो मेरा ड्रैग कितना मतलब सीधा हुआ, ठीक है, आप लोग देखना। और गाइस अभी देखो ये वाले बंदे को देखो, ये बंदा लेफ्ट की ओर जा रहा है, तो मैं यहाँ ड्रैग को सीधा नहीं करूंगा, मैं इस बंदे को मारने के लिए ड्रैग को देखो मैंने लेफ्ट में किया, ठीक है। मतलब गाइज अगर कोई बंदा सीधा आ रहा है तो आपको जो ड्रैग करना है ना वो सीधा करना है, स्ट्रेट करना है। और गाइज अगर कोई बंदा लेफ्ट या राइट जा रहा है, अगर लेफ्ट जा रहा है तो उसको लेफ्ट की तरफ आपको ड्रैग करना है, अगर वो राइट जा रहा है तो आपको राइट की ओर ड्रैग करना है। अगर गाइज मान लो कि कोई बंदा लेफ्ट जा रहा है और उसको राइट की ओर सीधा आप यहाँ पर ड्रैग कर रहे हो तो जाहिर सी बात है आपका वन टैप नहीं लगेगा। तो गाइज यहाँ पर 2-3 स्टेप होता है जिसको आपको फॉलो करना होता है। और गाइज जो सबसे पहला चीज़ मैंने बताया कि गाइज यहाँ पर जो आपका एम है ना वो जितना नीचे रखोगे ना उतना ज़्यादा आपका वन टैप लगेगा। आप लोग करके देखना, आपका 100% वन टैप लगने लगेगा। और यकीन मानो गाइज देखो यहाँ पर मेरा कितना नीचे रहता है, ठीक है, मेरा जो एम है ना बहुत ज़्यादा नीचे रहता है जिसकी वजह से मैं आसानी से वन टैप मार देता हूँ। तो गाइज बस ये सब स्टेप है जिसको फॉलो करोगे तो आपका परफेक्ट वन टैप हेडशॉट लगने लगेगा और गाइस आपका एक भी बड़ी शॉट नहीं लगेगा। तो चलिए दोस्तों, होप करते हैं कि आप लोग को वीडियो पसंद आएगा, तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।